नाजरीन, प्रोग्राम खास मुलाकात में आप सबका इस्तकबाल है। आज हमारे साथ मौजूद हैं कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन की चेयरपर्सन मोहतरमा बिल्किस बानू। बिल्किस बानू साहिबा, आपका खैर मकदम है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि कर्नाटका हुकूमत की जानिब से जो सर्वे मुनक्कद किया गया था, जो बैकवर्ड क्लास का, जिसमें समाजी तालीमी और माशी सर्वे हुआ था, कहीं ना कहीं वो फ्लॉप नजर आया, कहीं ना कहीं वो उसमें नाकामी नजर आई। आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं इसे? मैं भी बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर मदद किया। अब सबसे पहले मैं आप जहन से बात निकाल दीजिए कि समाजी माजी जो तालीमी सर्वे जो किया गया है वो फ्लॉप नहीं हुआ है, बड़े ज़ोरों से कार्रवाई हो रही है, बड़ी अच्छी तौर से हर डिस्ट्रिक्ट में जिला ऑफिसर जो हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनकी सदारत में जो कमेटी बनाई गई थी, बड़ी अच्छी तरह से सर्वेयर्स को भेजकर उन्होंने सर्वे किया। अब तो डाटा कलेक्शन का काम हो रहा है, कंप्यूटराइज लेवल पर पूरी तरह से फीड करके रिपोर्ट बनाई जा रही है। ये डेढ़ या दो माह में पूरी तरह से खाते कर्नाटक जानना चाह रही थी लोगों की सामाजिक, लोगों की माशी, लोगों की तालीमी हालत और उनका पिछड़ापन क्या है वो जानना चाह रही थी। इसका बहुत ही अच्छे तौर से हमें रिपोर्ट मिल जाएगा, ये हमें यकीन है। और ख़ास करके मैं एक माइनॉरिटी कमीशन की चेयरपर्सन होने के नाते मैं मेरा फ़र्ज समझ कर सारी रियासत में हर डिस्ट्रिक्ट में बड़ी अच्छी तरह से हमें अखिलियतों में खासकर बेदारी पैदा की। बहुत से प्रोग्राम्स आए थे वहाँ पर, हमारे अखिलियत भी भरपूर उसमें शामिल हुए और वो खुद इस तरह से मशगूल हो गए अपने आप से सर्वे में कि उन्होंने जो भी सर्वेयर ने, जो भी ऑफिसर्स ने उनसे जो सवाल किए उनका सही सही जवाब दिया। अगर हुकूमत चाहती तो चार दीवारी के अंदर बड़े इससे IAS ऑफिसर्स के जरिए भी सर्वे कर सकती थी, वो रिपोर्ट कलेक्ट कर सकती थी। ऐसा नहीं किया। पहली मरतबा कर्नाटक में रियासत के वजीर आला सिद्धरामैया जी ने ये समझा कि हम खुद जाकर वहां पर घरों में जाकर लोगों से उनसे खुद उनकी जुबानी सुन सके कि उनकी हालत क्या है, वो किस हालत में बसर कर रहे हैं, जिंदगी कैसी गुजर रहे हैं, उनका खाना पानी कैसा गुजर रहा है, वो किस तरह के घरों में है, क्या वो कच्चे घर में है, क्या पक्के घर में है, उनकी आमदनी कितनी है और उनकी उनकी तालीमी मियार क्या है, उनके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो किस वजह से नहीं पढ़ रहे हैं, और वहाँ पर स्कूल्स हैं या नहीं है, अगर प्राइमरी स्कूल्स हैं या और हायर प्राइमरी स्कूल्स नहीं है, क्या वजह है कि हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, ड्रॉप आउट्स किस वजह से, इस तमाम तालीमी मियार भी हमारी किस तरह से है, तालीमी लिहाज से हमारी अखलतियों की क्या हालत है। जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन है कि जो कारिंदे आवाम के पास जा रहे थे वो 50 नुकात का फॉर्म था। एक तो सबसे पहले आवाम को ये कन्फ्यूजन था कि इसमें कौन सा कॉलम कहाँ भरें, ये अवेयरनेस उनको पूरी तरह से नहीं मिला। और दूसरे जो कारिंदे जा रहे थे वो सरकारी जो मुलाजमीन हैं वो दूसरे किसी और को जिम्मेदारी देके तनख्वाह देके उनको रखे थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही हुई है, कहीं ना कहीं लोगों को आप भी बेदार करने में नाकाम नजर आए हैं उसमें। ऐसा नहीं कि पहले पहले शुरुआत में ऐसा हुआ कि जो टीचर्स को हमने आयद किया था वहाँ पर, उन्होंने फिर वहाँ से आंगनवाड़ी टीचर्स को जो दूसरों के जरिए कराया गया। जब हम हुकूमत की नोटिस को जब इस बात का पता चला और कमीशन की को भी इस बात का पता चला तो हमने डायरेक्ट राबिता किया और वहाँ पर जो भी लोग इस तरह से काम कर रहे हैं उनको पनिशमेंट देने का भी वज़ीर आला ने भी अनाउंस किया था। तो यहाँ पर पहली अपनी मीटिंग में भी कहा था कि ये सर्वे से वो मुतमईन नहीं है और अगर ये सर्वे अफसरान लापरवाही करते हैं तो उन्हें अपनी नौकरी खोनी पड़ेगी। नहीं, पहली बैच में जब शुरुआत हुई थी, देखिए ये तो ये 10 अप्रैल से शुरू हुआ, अप्रैल 11 से शुरू हुआ, पहले एक हफ्ते में ऐसा हुआ, कई दुश्वारियां आए, शुरुआत होती है तो दुश्वारियां आती हैं, हर काम में दुश्वारी आती हैं। इसी तरह से ये एक नया प्रोग्राम है, सारे हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर कोई सर्वे हुआ है तो कर्नाटक रियासत कर्नाटक में हुआ है, सारी पड़ोसी रियासतों ने भी इसका बहुत बड़ी शोर से उन्होंने हमें सराहा और हिंदुस्तान की हुकूमत ने भी ये देखा कि क्या हो रहा है। ये 70-80 साल पुराना काम जिससे जब हुआ था इसके बाद हुकूमत ने कर्नाटक में पहली बार शुरू किया, तो पहले हफ्ते में ऐसी दुश्वारियां आई लेकिन हमने स्ट्रिक्ट यहाँ से उनको हमारे मैं तो हमारी कमीशन की तरफ से डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर जो हैं उनके जरिए उनको इतना उस काम में लगा दिया हम लोगों के, उन्होंने डेली उनका फर्ज समझकर हर जाकर वहाँ पर देखते रहे, निगरानी में बहुत अच्छा चला, इसलिए फ्लॉप नहीं हुआ है, बाद से रेक्टिफाई किया गया और यहाँ पर तारीख भी एक्सटेंड की गई। ये मुकम्मल ना हो सका
जिस तरह से उन्होंने 30th लास्ट डेट रखा था 30 तारीख पे, मुकम्मल नहीं हुआ, फिर वहाँ पर एक्सटेंड करके एक हफ्ता एक्सटेंड किया, सर्वे तो मुकम्मल हुआ है और कई एनजीओज और कई मसाजिद में हजरात मस्जिद के कमेटीज और हमें वक्फ बोर्ड को, मैंने खास करके माइनॉरिटी कमीशन से वक्फ बोर्ड के प्रेसिडेंट और वहाँ के मेम्बरान उनको अपने साथ मिलाकर जुटाकर इस काम में बड़े अच्छे अंदाज से उन्होंने माशरा का हर फर्द इसमें जुट गया। इससे पहले जो पहले माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन बने थे गुडवाला साहब, उन्होंने एक माइनॉरिटी से रिलेटेड एक रिपोर्ट हुकूमत को पेश की थी जिस पर कोई कार्रवाई नहीं, वो ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद रहमान खान साहब जब कमीशन चेयरमैन बने, उन्होंने एक सर्वे करवाया मुसलमानों का, वो सर्वे भी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में पड़ गया। तो कहीं आपको क्या लगता है कि ये सर्वे क्या मुसलमानों के लिए या अकलियतों के लिए कुछ फायदेमंद साबित होगा या सिर्फ एक शोरगुल होगा उसके बाद खामोशी छा जाएगी? पहले सबसे पहले गुड़वाला जो उन्होंने सिफारिश किया, ये ना समझिए कि उनकी तरफ से कुछ नहीं है। देखिए आज अब जो हुकूमत कर्नाटक में माइनॉरिटी डायरेक्टरेट जो है वो भी कमीशन की तरफ से सिफारिश की गई, एक रिकमेंडेशन है, सिफारिश है, उसी आधार पर ये डायरेक्टरेट कायम हुआ। और दूसरी जो अब स्कूल में जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो एजुकेशन में जो उर्दू डायरेक्टरेट है वो पहले मिलकर था, वो भी कमीशन की तरफ से सिफारिश की गई, उसी सिफारिश का नतीजा है। और पहले जो सर्वे ये हुआ था माइनॉरिटी कमीशन से हुआ था, तो आज का जो सर्वे है हुकूमत कर्नाटक से किया जा रहा है। तो कहीं नहीं कहीं बहुत से सिफारिशात जो यहाँ से भेजे गए हैं, जहाँ के इंस्पेक्टर्स के उर्दू स्कूल्स किस तरह से उर्दू जुबान को किस तरह से फ़रोग करना चाहिए, हमारी प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन में किस तरह से टीचर्स का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, बिल्डिंग्स कितने होना चाहिए, जो भी सिफारिशात किया गए हैं हुकूमत कर्नाटक उसे एक्सेप्ट की गई है और भरपूर फायदा भी हुआ है। उसी का नतीजा है कि माइनॉरिटी डायरेक्टरेट के जरिए कई हॉस्टल शुरू किए हमने, ये भी एक कमीशन की तरफ से सिफारिश की गई है। हॉस्टल्स और रेसिडेंशियल स्कूल्स शुरुआत किए, ये भी एक कमीशन की तरफ से सिफारिशात है। और बहुत से सिफारिशात हम भी करने जा रहे हैं, मैं चेयरपर्सन होने के बाद मैं भी बहुत से हमारे अकलियतों को, कई ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है और होना चाहिए। यहाँ ये आजकल मुझे ये पता चला है कि बड़ा तबका अकलियतों में बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है, व्यापार के साथ जुड़ा हुआ है और वो किसी न किसी तरह से रोजाना जो इनकम उनको चाहिए इतनी कमाने के लिए फिट होते हैं। और पहले वो तालीम के वास्ते इतना अहमियत नहीं देते थे जितना आजकल दे रहे हैं। जो तबका बहुत पिछड़ा गया है, माली हालत खराब हुई है, उनको क्या करना है उसके लिए भी मैं कमीशन की तरफ से बहुत से काम करने जा रही हूं। जो सर्वे हुआ है इस सर्वे से क्या फायदा हो सकता है, ये कहाँ कहाँ ये सर्वे काम आ सकता है? देखिये पिछली सर्वे के आधार के ऊपर भी आज जो हुकूमत कर्नाटक से 4% रिजर्वेशन तो मिला गया है, वो भी सर्वे का नतीजा है। अब मैं और बहुत से हमने जो जॉब में भी हमें 4% रिजर्वेशन अकलियतों को दिया गया है, 2% क्रिश्चियंस को दिया गया है और 3A में 2A में 3 2B में कैटेगरीज में जमाए गए हैं पेशावराना हिसाब से, और मुसलमान सारे मुसलमानों को 2B में जमाया गया है। और कई ऐसे लोग जो बहुत पिछड़े हैं, दरवेश हैं, छपरबंद हैं, नालबंद हैं, फुलवारी हैं, उन तमाम को कैटेगरी 1 में जमाया गया है। तो अलग अलग रिजर्वेशन दे के लोगों को सामने आने के लिए, अपने आप को तरक्की की राह पर लाने के लिए एक मौका दिया गया, वो भी सिफारिश कमीशन की तरफ से ही की गई है, हुकूमत ने उन्होंने कबूल किया। आपका जो सर्वे गया है, खुद सिद्धरामैया जी चाहते हैं, वो भी एक बैकवर्ड कमी क्लास के वजीर आला हैं और खुद हमारे डॉक्टर कमरुल इस्लाम साहब जो वो उनकी अपनी ही नुमाइयाँ बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं। देखिए एक मिसाल, जो पेश इमामों को अब तक कोई नहीं उनकी तरफ ध्यान दिया था, ख्याल गया ही नहीं, किस तरह से लोग नमाजी नमाज पढ़ने के लिए वो दूसरा कोई जरिया नहीं होता उनको आमदनी का, तो उनको हुकूमती कर्नाटक की तरफ से खास करके कमरुल इस्लाम साहब, डॉक्टर कमरुल इस्लाम साहब ने उनकी मेहनत को कोई नहीं देख रहा था, तो हुकूमत की तरफ से उनको एक ऑनररियम फिक्स किया गया। अब ये रमजान में सारे जो पेंडिंग्स थे वो तमाम के तमाम गया, तो इस तरह से बहुत बड़ा काम है, कदम है कि पेश इमाम और उलमा को इस तरह का मुआवजा देना एक बहुत अच्छा कदम है। नाजरीन मिलते हैं छोटा सा इस वक्त ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा।